It's 10:43 AM. Good morning, everyone. My name is Wajid Abbasi. Assalamu alaikum from Italy. उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, इधर भी सब कुछ बेहतर है. आज आपके साथ मैं दो चीज़ें, दो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा. एक, नंबर वन, फ्री एजुकेशन इन इटली, और नंबर टू के आप कैसे ढूंढ सकते हैं फ्री स्कूल इन अब्रॉड. तो थोड़े दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, मेरे एक दोस्त ने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली स्टडी अब्रॉड के लिए, प्रिसाइजली इन इटली के लिए, क्योंकि उसको पता था कि मैं इसको इटली के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ. तो हमने कुछ कॉलेज सर्च किए, तो उनकी एट दी एंड उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी 2 साल के प्रोग्राम के लिए. तो फिर हमने कहा थोड़ा अर्सा वेट करते हैं, तो फिर उसके बाद मज़ीद कोई स्कूल देखेंगे. तो कुछ स्कूल सर्च करने के बाद मुझे एक फ्री स्कूल मिला इटली में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, प्रोफेशनल कोर्सेज स्कूल. उसकी वीडियो मैं ऊपर आई बटन में रख दूंगा, वो देख लें आपके किस तरह से अंदर स्कूल के क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है और क्या इन्वायरमेंट है अंदर. आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और उस दूसरे चैनल पर भी मुख्तलिफ एक्सपीरियंस मिल जाएंगे. तो अब मैं बताता हूँ आपको इटली वैसे क्यों फराहम करता है फ्री एजुकेशन. इटली या कोई भी मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज इन डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फराहम करते हैं सबके लिए, चाहे वो उस कंट्री का लोकल हो या फिर कोई फॉरेन स्टूडेंट हो. और इनकी रिक्वायरमेंट्स सिर्फ होती हैं, अब इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है सिर्फ मिनिमम बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कॉलेज किया हो 12th तक या यूनिवर्सिटी की हो, और प्लस इसकी बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पेन में हैं, अगर मैं इटली में हूँ और मुझे यहाँ कोई फ्री कोर्सेज अवेल करने हैं, तो उसके लिए मुझे बेसिक लेवल तक लैंग्वेज आनी चाहिए इटालियन की, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स या टीचर्स कम्युनिकेट करते हैं लोकल लैंग्वेज में, इटालियन में. तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है, लोकल लैंग्वेज आने का ज़्यादा बेनिफिट है. तो लैंग्वेज और कल्चर और एक्सपीरियंस के लिए एक्सक्यूज़ मी, लैंग्वेजेस के लिए मैंने, और डिफरेंट लैंग्वेजेस और एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसलिए दूसरा चैनल बनाया, ताकि वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज, कल्चर, एक्सपीरियंस मज़ीद शेयर किया जाए, या कोई और लैंग्वेज भी शेयर की जाए जो लोग उर्दू नहीं समझते या बोलते. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, और आई बटन में भी एक दो वीडियो रख दूँगा, आप देखें इंशाल्लाह. और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ वेबसाइट के लिंक रखूँगा, जहाँ पर आप मज़ीद कोर्सेज देख सकते हैं. उसमें लोकेशन या कंट्री आपको नज़र आ जाएगी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स नज़र आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स नज़र आ जाएंगे. डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा, आपके अपने तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, एजुकेशनल, जॉब या बैंक की तरफ से, जो कि आप यूनिवर्सिटी को भेजें, फॉर एप्लीकेशन लेटर, फॉर अप्रूवल लेटर. उसके बाद फिर आपने एम्बेसी से रابطہ करना है जिस भी कंट्री की होगी. उसके साथ साथ फिर डॉक्यूमेंट्स सारे वन बाय वन रेडी करने हैं. डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको और भी मज़ीद इंटरनेट पे मिल जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरह से चाहिए होते हैं. तो कंट्री जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें, इटली सिलेक्ट करें या फिर कोई नॉर्दर्न कंट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तोनिया सिलेक्ट करें. कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल एजुकेशन, मैंने बहुत से देखे हैं लोग या दोस्त मेरे, वो बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए. पाकिस्तानी 14 लाख, 12 लाख, 15 लाख ईजीली इतने होते हैं. तो द आइडिया ऑफ नॉमेड डिग्री इज़ टू लर्न फ्राम एक्सपीरियंसिस, रोड ट्रेवल्स, टू फाइंड फ्री स्कूल, टू लर्न द लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस अवेल डिफरेंट बेनिफिट्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लोकेशन पर कोई और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई इस तरह की बात आएगी, तो वीडियो में आपको बता दूंगा. तो ये वीडियो का मकसद था, उस दोस्त को भी मेरे पता चल जाए, और इसकी तरह के और भी लोग जो देख रहे हैं फ्री एजुकेशन के हवाले से, उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए. अप्लाई करें, इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं. कोविड के बाद, 2-3 महीने के बाद मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंशाल्लाह. गुड लक फॉर ऑल ऑफ़ यू. माय नेम इज़ वाजिद. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.